महाकाल की नगरी उज्जैन में महाकाल ज्योतिर्लिंग के अलावा 84 महादेव भी स्थापित हैं, जिनका अपना अपना अलग महत्व है। इन 84 महादेवों के दर्शन करना बेहद लाभकारी होता है। आइए जानते हैं इन 84 महादेव के महत्व एवं इनके इतिहास के बारे में। उज्जैन के अनंत पेट क्षेत्र में स्थित सोमेश्वर महादेव 84 महादेवों में 26वें नंबर के महादेव हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार वाराह कल्प में ब्रह्मा के मानस पुत्र अत्रि हुए, उनके सोम नामक पुत्र थे। दक्ष के 27 कन्याएं थीं, वे सोम से ब्याही गई, उनमें रोहिणी श्रेष्ठ थी। सोम उससे अधिक प्रेम करते थे। अन्य कन्याओं ने इसकी शिकायत अपने पिता से की, दक्ष के समझाने पर भी सोम नहीं माने। इस पर दक्ष ने उन्हें अंतर्ध्यान होने का श्राप दे दिया। सोम अंतर्ध्यान हो गए। तब देवता नाग यक्ष गंधर्व और पितर प्रजापति के पास गए और सोम की दुर्दशा का वर्णन किया। ब्रह्मा जी ने कहा कि अपने पाप का फल तो भोगना ही पड़ता है, इस श्राप का समाधान तो विष्णु जी ही करेंगे। तब वे विष्णु जी के पास गए और निवेदन किया कि सोम के बिना पृथ्वी पर सब औषधियाँ नष्ट हो गई हैं। विष्णु जी ने देवताओं को आश्वस्त किया, फिर चंद्रमा का स्मरण किया, परंतु वह उपस्थित नहीं हुआ। तब विष्णु ने ब्रह्मा जी से कहा, आप देवताओं और असुरों से क्षीर सागर का मंथन करवाओ, उनमें से सोम निकलेगा, उसके साथ अमृत और अन्य कई रत्न भी निकलेंगे। तब देव दानवों ने मंद्रांचल की मथानी और वासु की नाग की रस्सी बनाकर समुद्र मंथन प्रारंभ किया। देवताओं ने वासु की पूंछ तथा दानवों ने उसका मुंह पकड़ा। समुद्र मंथन से सोम उत्पन्न हुआ, उसी से देवता मनुष्य पितर वृक्ष और औषधियाँ जीवित हैं। भगवान विष्णु ने उसे संसार का पालन करने की आज्ञा दी। इसके पूर्व जो सोम अंतर्ध्यान हो गया था, उसे नारद मुनि ने यह सब कथा कही। तब वह चंद्र ब्रह्मा के पास गया और उनसे अपने श्राप की व्यथा कही। ब्रह्मा जी ने विचार किया और विष्णु जी के पास गए। उन्होंने विष्णु जी से कहा, यह नया चंद्रमा मेरे पुराने पुत्र चंद्रमा को पीड़ा दे रहा है। तब ब्रह्मा जी की विनती सुनकर विष्णु जी ने अपने पास स्थित पुराने चंद्रमा को कहा कि तुम महाकाल वन में जाओ, वहाँ मुक्ति लिंग के उत्तर में स्थित लिंग की पूजा करो, वह तुम्हें देह प्रदान करेगा। तब वह पुराना सोम महाकाल वन में आया, यहाँ इस लिंग की पूजा अर्चना की। तब भगवान शिव ने प्रसन्न होकर पूछा कि क्या चाहते हो। तब अदृश्य सोम ने कहा, भगवान मुझे मेरा पुराना वैभव लौटा दो। शिव जी ने कहा, एवमस्तु। सोम द्वारा पूजित होने से यह लिंग सोमेश्वर कहलाया। सोमेश्वर की पूजा से कुष्ठ रोग दूर होते हैं। जो बिल्व पत्र से सोमेश्वर की पूजा करता है, वह शिवलोक को प्राप्त करता है। जो स्वर्ण पुष्प से सोमेश्वर की पूजा करता है, उसे परम गति मिलती है। चौरासी महादेवों के महत्व को जानने के लिए और उनके साक्षात दर्शन के लिए हमारे YouTube चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक व शेयर करें, ताकि बाकी लोग भी इसके महत्व और इनकी महत्ता के बारे में जान सकें। ओम नमः शिवाय।